एक कहावत है, अनजान की दोस्ती जान का जोखम। बड़े बुजुर्ग कहते हैं, सफर में जल्दी किसी अनजान व्यक्ति से दोस्ती ना करें, कहीं बेगाने की दोस्ती में आप किसी घटना के शिकार ना हो जाएं। आज हम आपको इसी कहावत को सच में बदलने वाली खबर दिखाने जा रहे हैं। नाईगांव के जंगल में बीते दिन एक लाश मिली। शुरुआती जांच में पुलिस ने पाया कि मृत व्यक्ति की हत्या कर जंगल में फेंक दिया गया है। मामले को गंभीरता से समझते हुए सीसीटीवी और गुप्त सूचना के आधार पर आखिरकार क्राइम ब्रांच पुलिस ने कड़ी मेहनत के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी अविनाश अम्बूरे ने जानकारी देते हुए बताया कि सुनील तिवारी नामक व्यक्ति, जो जन्म से ही गूंगा और बहरा था, अपने गाँव उत्तर प्रदेश से सफर कर रोजगार की तलाश में मुंबई आया हुआ था। मुंबई से उसने ट्रेन पकड़ी अपने भाई के घर जाने के लिए। ट्रेन में यशवर्धन ओझा नामक व्यक्ति ने सुनील के भाई को फोन लगाने के बहाने दोस्ती कर ली। तुम्हारे भाई का फोन नहीं लग रहा, कुछ देर मेरे घर पर चलकर आराम कर लो, इस तरह की बातों में फुसलाकर सुनील को नाईगांव स्टेशन पर उतार लिया। लूटने की प्लानिंग के तहत आरोपी यशवर्धन ओझा सुनील को 2 से 3 किलोमीटर नाईगांव में जंगल की तरफ ले गया, जहां उसने सुनील पर पत्थर से हमला कर दिया और घायल अवस्था में गमछे से सुनील का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और उसके बैग से कुछ पैसे लेकर वहां से फरार हो गया। एमबीवीवी क्राइम ब्रांच पुलिस निरीक्षक राहुल राख और पुलिस निरीक्षक साहूराज जानवारे ने टीम बनाकर आरोपी को धर दबोचा। आइए आपको सुनाते हैं इस पूरे घटना पर डीसीपी अविनाश अम्बूरे ने क्या जानकारी दी। 20 तारीख को शाम को 5 बजे हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली कि एक अज्ञात किस्म का खून हुआ है, मर्डर हुआ है। ये इन्फॉर्मेशन जैसे पता चल के हमारे पूरे क्राइम ब्रांच की टीम यूनिट 2 के पीआई रनवरे, सेंट्रल यूनिट के पीआई राख और हमारी संपूर्ण टीम हम घटनास्थल पर पहुंची। घटनास्थल पर जाने के बाद में हमें पता चला कि जो इसम है उसका नाम सुनील तिवारी है, जो रहने वाला जौनपुर यूपी का है और उसके पास से जो आई कार्ड और बाकी के जो चीज़ें बरामद हुई तो उस पर से पता चला कि वो डेफ एंड डम है, ही इज मुख बधिर जिसको कहते हैं, और उसका एक भाई है जो नाला सोपारा में रहता है। इतनी इन्फॉर्मेशन हमको प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन मिली थी। इस इन्फॉर्मेशन के तहत हम लोगों ने पूरे रेलवे स्टेशन सीसीटीवी फुटेजेस, सभी जगह के सीसीटीवी फुटेजेस, वहाँ के जो लोग हैं सभी लोगों से पूछताछ करने का इन्वेस्टिगेशन का काम चालू हुआ। उसमें हमें पता चला कि जो मैत इसम है वो उसी दिन जौनपुर से मुंबई आया था और मुंबई से वो नाला सपारा की ट्रेन में जाने के लिए ट्रेन में बैठा था, लोकल ट्रेन में उसकी मुलाकात एक बंदे से हुई थी और सीसीटीवी फुटेजेस में भी हमको वो लड़का हमें दिखा था। उसके तहत हमारी पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम ने पूरा उसको ढूंढ के निकाल के उसका नाम, उस आरोपी को हमने गिरफ्तार किया। उसका नाम है यशवर्धन झा, जो रहने वाला जू चंद्र नायगांव का है और पूछताछ में पता चला कि इसने ये बुक बदिर है, इसके पास में ना मोबाइल था तो इसके पास से पैसे निकालने के चक्कर में इसने उसको नाला सुपारी की जगह नायगांव में उसको उतारा और फिर वहाँ पे उसके घर के पास में एक जो ओपन ग्राउंड था वहाँ पे उसको ले जाके उसको एक सफ़ेद जो उसका गमछा था उससे उसकी जान उसने ले ली। सीसीटीवी से कितनी आपको मदद हासिल हुई? करीबन 72 आवर्स के अंदर ही हमने आरोपी को अरेस्ट किया है और इसमें जहाँ के लोकल लोगों ने भी काफ़ी, जो रिक्शा वाले हैं, जहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्होंने भी काफ़ी हमें इसमें मदद की और जो सीसीटीवी फुटेजेस है ऑब्वियसली उसमें से भी हमें पता चला कि जो मैत इसम था वो नाला सोपारा नहीं, वो नायगांव में उतरा था रेलवे स्टेशन, तो काफ़ी चीज़ें हमको इससे मदद हो। इसमें हमारे पूरे सेंट्रल यूनिट की टीम पीआर राख और उनके पूरे लोग और यूनिट 2 के हमारे पीआर अनवरे साहब, एपीआई कामले और उनकी पूरी टीम इसमें जुटी हुई थी। अनजान लोगों के पास में हम लोग बात करते हैं, रेलवे में मिलते हैं और वो सहायता करता है करने के बहाने उनको जहाँ जाना है उसके ना जाके दूसरे रेलवे स्टेशन में उसको उतार के वहाँ पे उसको पैसे निकाल के उसका ये मर्डर किया जाता है। तो ऐसी वारदातें बचने के लिए अनजान लोगों से थोड़ा सा फासला रखे और अपने जो परिजन है, जो रिश्तेदार है उनसे सतत संपर्क में रहे ताकि आप कहाँ है, कहाँ जा रहे हैं उसकी मालूमात आपके रिलेटिव्स और आपके नज़दीक के लोगों को मिलती रहे और कभी भी आपको लगता है कि पुलिस की सहायता अगर आपको जहाँ पर चाहिए तो 100 नंबर पे ज़रूर कॉल कीजिए ताकि पुलिस आपकी मदद के लिए हमेशा आपके लिए आ सके।